शादी और रूही पता नहीं कितना खाना खाना चाहते हैं। ऊपर से शनाया भांग पीकर पता नहीं कहां गई रमन के साथ। कहीं वो घर पर तो नहीं गई उसके साथ? ओ नो, मैं बता नहीं सकता यार। क्या मजबूरी है सोचो, तुम इतने पास हो लेकिन तुम्हें छू नहीं सकता उस निधि के डर से। वैसे तुम्हें लगता कि अगर उसे पता चलना चाहिए हमारे बीच कुछ हुआ है तो इस बिस्तर को बिगड़ना जरूरी है। चलो ड्रामे में ही सही, लेकिन बिगाड़ना तो पड़ेगा बिस्तर थोड़ा सा। ऐसा भी नहीं लगे ना हमने कुश्ती लड़ी यहाँ पर। बस अब कुछ नहीं हो सकता, पीछे नहीं हटना। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। भांग के नशे में कहीं शनाया अपना चैलेंज न जीत जाए। क्या हो रहा है सब कुछ? दीदी मुझे लगा कि तुम हो। मेरे कौन, मेरा सर घूम रही है। दीदी पता है इसने ना मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी रमन। अरे मैंने क्या? मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ रमन के लिए यहाँ खड़ी हुई हो। Obviously, निधि तुम इतनी भोली नहीं हो। अच्छी बात है कि तुम जान गई हो कि मैं सिर्फ रमन को पाना चाहती थी और मैंने उसे पा लिया है। मैंने जीत लिया है मेरा चैलेंज। You get it? तुम इससे दूर रहो, ये बहुत लड़की बहुत शाती है। मेरा हाथ छोड़ो और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ? अरे क्या करोगी तुम? तुम ऐसा बड़ा सा क्या कर लोगी अब? हो गया अब जो होना था। You cannot undo it, darling. हो गया रमन मेरा, हो चुका है। तुम अब कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या करोगी तुम हाँ? देखो तुम इसकी बातों में मत आओ, ये बहुत शातिर है। नहीं तुम जानती नहीं हो। मेरा हाथ छोड़ो, मैं इसे छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखने चाहती। निकलो बाहर। अभी क्या निकलो? शक्ल तो मुझे भी तुम्हारी नहीं देखनी है। और तुम मुझे जिसके कमरे से निकाल रही हो वो मुझे इस कमरे से नहीं निकालना चाहता। वो मुझे चाहने लगा है। वेल वो मेरा बिजनेस पार्टनर है राइट? और जल्दी हो सकता है मेरा लाइफ पार्टनर भी बन जाए, क्योंकि अब रमन तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। बकवास बंद। तुमने सोचा कि तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगी और मैं ये सब छोड़ दूंगी? नो, तुमने जो हाथ उठाया ना मेरी तरफ, तुमने मुझे और ज्यादा उकसा दिया है। रमन भल्ला मेरा होगा हमेशा हमेशा के लिए। You get it? और तुम्हें जो करना तुम कर सकती हो, क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। जंग जीतना चाहती हूँ, मेरे से जंग लड़ोगी मुझसे? जरूर। ये सही वक्त है प्लान बी को एग्जीक्यूट करने का। निधि निधि देखो, निधि 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 ये लड़की से दूर रहो। जीतोगी मुझसे? अरे देखो इसकी बातों में बताओ मैं कौन हूँ। इसकी बातों में बताओ। मैं बताऊँ? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। हे रमन तुम क्यों डर रहे हो? प्लीज एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी। तुम्हें इससे कोई अट्रैक्शन नहीं है, बोल दो। हनी तुम डर रहे हो क्या? डोंट टेल मी तुम्हें इसकी गन से डर लग रहा है। उसके हाथ देखो, इट्स शेकिंग। ये कुछ नहीं कर सकती रमन। यू नो शी इज अ लॉयर, ये बड़ी बड़ी बातें बना सकती है, बट किसी पे गोली चला जा, शी नोज इट्स अ क्राइम। ये कुछ नहीं कर पाएगी। अपने होने वाले पति को जो नहीं बचा पाई वो मुझे गोली क्या मारेगी? जस्ट कूल डाउन, मेरे पास आओ। जस्ट टेल हर दैट यू लव मी नाउ
अनिधि तुम्हें खोखले दावे करना बंद कर दोगे तो मुझ पे गन चलाओगी। आई एम शनाया रायचंद। मैं जो चाहती हूँ वो मैं पाके रहती हूँ और तुम हो एक निधि द लूजर। देखो प्लीज गोली। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न करी नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। निधि गोली नहीं। सॉरी आई डोंट बिलीव यू। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। निधि निधि मैंने क्या मुझे छोड़ा। निधि बंदूक ले। निधि ये कुछ नहीं कर सकती। निधि निधि बंदूक पीछे करो। शनाया जी, शनाया जी, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? तुमने मार डाला इसे? मैं नहीं मारना चाहती थी, वो उसने मुझे उकसाया रमन। ये तो मानती ना कि उसने उकसाया, तो ये मर्डर तो नहीं हो सकता, राइट? मैंने नहीं किया मर्डर। हाँ, मर्डर तेरे, तुम लॉयर हो। अगर किसी ने उकसाया और तुमने गोली चलाई और वो मर जाए तो उसे मर्डर नहीं कहते, राइट? तो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है ना, है ना? यू नॉट द मर्डर, है ना? ओके, तो एक काम करते हैं, इसकी लाश को कहीं छुपाना होगा। कोई बैग वगैरह कुछ है तुम्हारे पास? ले ले ले, जल्दी जाओ। लाओ लाओ लाओ। निधि एक काम करो, तुम जल्दी से चेंज कर लो ताकि किसी को शक ना हो। उन्हें लगना चाहिए कि हम बैग लेकर बाहर जा रहे हैं। जाओ 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 जाओ। निधि मैं जानता हूँ, जल्दी करो, टाइम नहीं है। जाओ जाओ। हाँ पर मैं करो। इशिता, मैंने बैग की जेब थोड़ी सी खुली रखी है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। आप दोनों इस मैरिज फॉर्म पे साइन कर दीजिए। आह! आह! ओह गॉड! चलो। वेट वेट वेट। लेट मी चेक योर पल्स। हमारी पल्स की बहुत तेज है। इट्स जस्ट द सेवेंथ मंथ। बेबी को कुछ होगा। शगुन, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। शगुन थोड़ी हिम्मत करो। Try to stand up. Come on. चलो शगुन।